हाँ दोस्तों, सिविल इंजीनियर प्रॉब्लम से फिर से आपका एक और बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर आया हूँ, कुछ काम आ रहा है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड्स। जो भी हमारी वॉल होती है वो डिफरेंट टाइप की बॉन्ड्स बॉन्ड्स होती हैं उसमें। वैसे मोस्टली काफ़ी टाइप की बॉन्ड्स होती हैं, पर इंडिया में मोस्टली चार टाइप की बॉन्ड्स यूज़ की जाती हैं। एक स्ट्रेचर, एक हेडर, एक इंग्लिश बॉन्ड, एक फ्लेमिश बॉन्ड। जो स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर बॉन्ड होता है जो ऐसे, जब हमारी जो जी हमारी वर्क है इस फेस को तो हम स्ट्रेचर बोलते हैं। जो इस साइड आता है, ये वाला फेस होता है, इसे बोलते हैं हेडर। ठीक है, इस बॉल में स्ट्रेचर बॉन्ड में पूरी वॉल मतलब मोस्टली स्ट्रेचर बॉन्ड में फोर मतलब हाफ ब्रेक की वॉल यूज वॉल बनाई जाती है स्ट्रेचर में। और पूरा जो भी हम फेस साइड से जब हम बॉल को देखेंगे तो हमें पूरा सब मतलब सारी ब्रेक जो स्ट्रेचर दिखाई देंगे, स्ट्रेचर मतलब पूरी ब्रेक स्ट्रेचर होगी। और उसे हाफ ब्रेक या थ्री बाई फोर ब्रेक की मतलब ब्रेक से इनकी बॉन्ड को मेंटेन कराया जाता है, जिससे कि उसमें मतलब अगर बॉन्ड ही मेंटेन नहीं होंगे तो इनमें अच्छा मतलब बॉन्ड नहीं, मतलब बॉल गिर जाएगी जल्दी। फिर आता है हेडर, हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड में जो हमारी बॉल होती है इसमें पूरी मतलब पूरा जो अगर हम उसे बॉल को फेस साइड से देखेंगे तो पूरा बॉल हेडर हेडर दिखाई देगा। मतलब सब में ऐसे ज्वाल ज्वाल फेस ऐसा ज्वाल ज्वाल फेस पूरा दिखाई देगा पूरी वॉल में। जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ पे भी एडर, जी भी एडर, जी भी एडर। और जैसे मंदी थ्री बाई मंदी थ्री बाई फोर का हाफ मंदी यहाँ पे मंदी इन इसलिए इनको इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जैसे इनका बॉन्ड को जो जो बॉन्ड बनते हैं जैसे जीवाई लाइन है, जैसे हमारी ब्रेक है, इनकी बॉन्डों को मेंटेन किया है। जैसे कि अगर जी इसी लाइन में आ जाएगा तो हमारी वॉल कमजोर बॉल हो जाएगी, मतलब कि जल्दी टूट जाएगी, वहाँ बॉन्ड आज मतलब अच्छा अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इसलिए इसलिए किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। और जो होता है फ्लेमिश बॉन्ड, फ्लेमिश हमारा फ्लेमिश बॉन्ड होता है कि पहला कोर्स, जैसे हम कोर्स एक ऐसे यहाँ से हमारे बॉल स्टार्टिंग की, मतलब यहाँ से बॉल हमने चिन्ह बंदी मैसेज स्टार्ट की और यहाँ पर एंड हो गया, तो इस जगह से लेकर इस जगह तक पहली जो भी लेयर होगी, लेयर जी लेयर हो इतने लेयर होगी हमारी, इसे बोलते हैं कोर्स। ठीक है, लेयर को बोलते हैं हम कोर्स ही बोलते हैं। आप कंप्यूटर में दो ना, यहाँ पे देखो पहला जो पहली लेयर होगी, चाहे आप स्ट्रक्चर लगा ली पूरी वॉल में, पहला पहली लेयर स्ट्रक्चर। जैसे आप जी हमारी सपोज जी बॉली है, पहली स्ट्रेचर जी भी स्ट्रेचर पूरी कोर्स, पहला कोर्स उसका स्ट्रेचर का। फिर दूसरा कोर्स आएगा, वो आएगा आएगा हेडर का, जी भी हेडर, जी भी हेडर, जी भी हेडर, जी भी मतलब फूड सेकंड कोर्स हेडर। अगर पहला आप कोर्स को हेडर ले रहे हो तो सेकंड कोर्स मतलब सेकंड कोर्स आपको स्ट्रेचर लेना पड़ेगा, वो होता है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। अब आता है हमारा इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कंट्रोल अल्टरनेटर चले। जैसे जी हमारी लेयर है, जी आप देख सकती हो जी हमारी लेयर है, जी लेयर में पहला तो स्ट्रेचर, जी हमारी स्ट्रेचर है, इसे मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। और जी हेडर, इसे एच एच शो कर रहा हूँ, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर, क्यों अल्टरनेटर चल रहा है कि इस जगह पे समय स्ट्रेचर 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 मतलब पूरी लेयर में पूरा कोर्स था जो स्ट्रेचर था, फिर सेकंड हेडर आएगा पूरा कोर्स। पर इसमें अल्टरनेटर है, पहले स्ट्रेचर, अगर अगर आपने पहले हेडर ले रहे हो तो सेकंड ब्रेक स्ट्रेचर लेना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो दूसरी हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे होती है। जो होता है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड, मोस्टली इंडिया में चार टाइप की चलती हैं, वही स्ट्रेचर हेडर इंग्लिश और फ्लेमिश। और आउट ऑफ कंट्री काफ़ी सारे बॉन्ड चलती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर हमें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मुझे भी रेस्पॉन्स मिले कि हाँ कि लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे भी वीडियो बनाने समय अच्छा फील हो।
थैंक यू।